सलवा डोडाली से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक, आप सुनाए। अच्छा, हाँ जी जी जरा। गालिब भाई, आपका जो इब्ने मरियम के साथ वो जो आए हैं, बड़ा जबरदस्त। तो उन्होंने जो अभी उसका सेकंड पार्ट रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने डायरेक्शन दी है हुजूर पाक की, वो जो ग्रेव की, और साथ साथ उन्होंने इब्ने वो जो हातम ताई की पिछली दफा दी थी, वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये चीज मंजर यहाँ पे ले भी आते हैं, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा टू अ कॉमन मुस्लिम? इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, क्रिश्चियनिटी के भी तो यही मसले थे ना। मैं आपको जो मेन इन द एंड बात थी, जिससे आके मैं 100% श्योर हो गया था कि भाई मैंने अपनी ये मानना, वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल स्टडीज और बाइबल के पुराने मैनुस्क्रिप्ट्स, और ये फलां चीज जो बाइबल में लिखी है ये तो अर्लियर मैनुस्क्रिप्ट्स का हिस्सा ही नहीं थी, ये फलां चीज जीसस का एविडेंस कोई नहीं है, मजहब यसू रामी और ब्रानी बोल रहा है, और किताबें अंजीलें सारी ग्रीक में लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? ये क्वेश्चन मार्क्स थे मेरे जहन में बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जिनका जवाब मैंने बड़ा ढूंढा, एंड पे जब नहीं मिला तो इन द एंड मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है ये फजूल है, सब कुछ छोड़ो इसको। तो फिर ये अभी जो हम जो भी चीजें डिस्कस करते थे, मोहम्मद का जो नाम था वो सीरियक लैंग्वेज में था पहले, आइडेंटिफाइंग मे बी जीसस। तो ये चीजें अभी तो कॉमन नॉलेज क्यों नहीं बढ़ रही? हो या ये रही है ना, चीजें हम इसी पे तो काम कर रहे हैं, अभी हम इसी पे तो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त आपकी मेरी बात हो रही है इसी चीज पे बात हो रही है, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये बातें करेंगे रोज रोज, तो फिर ये चीजें खुद ही जुबान ज्यादा आम हो जाएंगी। लेकिन ये एकेडमिक सर्कल में बातें पता थी कि अभी आ रही हैं? मुसलमानों के एकेडमिक सर्कल में मेरे ख्याल में गांधी को या फिर यासिर काजी को तो ये बातें पता हो सकती हैं, मगर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इन बातों का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को नहीं पता, ठीक है। तो आपके ख्याल में वो क्या, इसका वो उनका क्या काउंटर होगा? ये एक दफा मैं पहले मेरा पूछ रहा जहां हूं। तक ख्याल है ना, अगले 10 से 15 साल में मुसलमानों, जितने मुसलमान दुनिया में काफर हो रहे होंगे ना, एथियस्ट, इतना कोई भी नहीं हो रहा, और अभी जितने मुसलमान हो रहे हैं ना, इतने क्रिश्चियन नहीं हो रहे होंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके पास कोई काउंटर नैरेटिव है ही नहीं, अभी डेवलप करने हैं इनने, और यकीन करें कि ये इतने बुद्धू हैं कि इनसे डेवलप नहीं होने, हमें मुसलमानों को, अगर ये जो एथीज्म की और इल्हाद की वेव आ रही है अभी, अगर इससे बचना है तो इनको नए नई जनरेशन चाहिए इस्लामिक स्कॉलर्स की, जो कि है ही नहीं है, जो है ही नहीं नहीं है कहीं। नहीं तो आपके ख्याल में वो किस किस्म के, लाइक लेट्स से हाइपोथेटिकली, जो ये हम लेट्स से मोहम्मद का सीरियक लैंग्वेज, और हम जब सीरियक लैंग्वेज की पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि कुरान के अंदर भी है, जो हमें पता है कि डेट से पीछे है, और अब हजरत मोहम्मद की कब्र का जो है लेट्स से क्रिश्चियनिटी की लग रहा है कि वो उस तरह वो पुराने दौर के मुताबिक उन्होंने डाली है, तो मुझे बताएं फिर उसको वो, ये छोटा सा एक सवाल है, वो कैसे इसको काउंटर करेंगे? कि क्या क्या आपके ख्याल में देखें, होता यही है, मैं जो अभी तक तो देख रहा हूँ मुसलमानों की, जैसे आज अभी पहले बात हुई, वो सिकंदर आए थे, उन्होंने बात की कि यासिर काजी अब ये कह रहा है कि इंसान तो इर्तका हुआ, और एक वक्त पे एक इंसान ऐसा था जिसको खुदा ने माइलस्टोन के तौर पे ले लिया, वो आदम था, ठीक है जी। ये अच्छा बात डिक्टो कॉपी इन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलरशिप से उठा लिए, ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखें, इन्होंने चोरी अब उधर से बहुत कुछ करना है, मगर मुझे अभी तक कोई एक भी ऐसी फिगर नजर नहीं आ रही, इवन के उर्दू स्कॉलरशिप में तो आप छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान में मुझे ऐसा भी कोई नजर नहीं आ रहा, ये मस्खरे बैठे हैं मोहम्मद हिजाब जैसे, अली दावा जैसे, जिनको कुछ पता नहीं है, ठीक बता है। मुसलमानों में मतलब स्कॉलरशिप का लेवल इतना डाउन है कि जाकिर नाइक और हारून जाया जैसे लोगों के पीछे लोग मक्खियों की तरह जा रहे हैं, जिनको कख नहीं पता, कख भी नहीं, नहीं जिनको तो आपके कुछ नहीं ख्याल पता, कोई बात ही नहीं। आपके ख्याल में हम मेरा वैसे जी, आपके मेरा ख्याल में ज्यादा अब ख्याल है कि ये जी अभी अभी टाइम लगेगा, बड़ा लंबा टाइम लगेगा अभी, ये अगले 10 साल में मुझे कोई वैसा बंदा नजर नहीं आ रहा। हमजा तोटेस को मैंने देखा, फिर वो क्या है यार उसका नाम, जो दूसरे का यार, वो भी बड़ा, उसकी बड़ी सबूर अहमद की बड़ी लोग तारीफें करते हैं, उस दिन मैंने उसकी एक वीडियो देखी एवोल्यूशन पे, उसने तो मुद्दे पे बात ही नहीं की टोटली, क्या यानी कहते हैं? मुद्दे पे उसने बात ही नहीं की, वो सारी ये बता रहा है कि जी फलां एक बायोलॉजिस्ट है, एक जेनेटिसिस्ट है, वो उसको ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो कि एवोल्यूशन के खिलाफ है, वो वही बातें कर रहा है जो आज से क्रिश्चियन 50 साल पहले, इवन के 70 साल पहले कर रहे थे, 100 साल पहले कर रहे थे आज से, वो क्या बात है, वो क्या बातें करता है, वो यही बात करता है, नहीं, इट इज अराउंड द कॉर्नर के एवोल्यूशन के खिलाफ जो है वो एविडेंस मिल जाएगा,
लेकिन पूरी की पूरी, और इनमें से एक भी इस काबिल नहीं है, मैंने सारे सुन के देख लिए, इनमें से कोई एक भी इस काबिल नहीं है। लेकिन गालिब मुझे लगता है कि ये साइंस को ये कर देंगे खुदे लाइन, क्योंकि लाइक साइंस को फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन को वो किसी ना किसी तरह कह देंगे अच्छा हाँ ठीक है पहला आदम, पहला इंसान आदम था, बड़ा वो जिस तरह यासर कादी ने बोला, और इसको मान जाएंगे लोग, क्योंकि एवोल्यूशन जिस तरह मुझे लगता है साइंस के जो मिस्टेक्स हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन वो नहीं बन रही उस तरह से जो मुझे नजर आया है, वरना अब तक आधे लोगों को छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट जो भी सर्च करते हैं। लोगों को पता किधर है, आपको पता है ना पाकिस्तान में जो रहता है, मुझे बताएं जो पाकिस्तान में मस्जिद के मौलवी जो उसका इस्लामिक नॉलेज की टोटल उसके इस्लामिक इस्लामिक नॉलेज की सोर्स ही मस्जिद का मौलवी है, तो मुझे बताएं उस बेचारे को क्या पता होगा। मैंने मैंने अपने दो तीन जाने वालों को बताया, उन्होंने किसी ने इस चीज को परवाह की जेन्युइनली नहीं की, नहीं तो वो ना करें परवाह, इससे फर्क नहीं पड़ता ना। देखें इसमें ये लोग वही बदलेंगे, ऐसे नहीं होगा कि आज गालिब प्रीचिंग कर रहे हैं या हारिस हारिस बातें कर रहे हैं तो सब लोग हारिस और गालिब ही बदलेंगे, नहीं। ये होगा ये कि जो हम बदलें, जो बंदा हमसे चेंज हुआ वो आगे लोगों को बदलेगा, ये होगा काम। ये मेरा ने मुझे लगता है कि अगले 15 साल में इस्लाम की कब्र खुद जानी है, बस लाश डालनी रह जानी है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो जो अल अज़हरिया यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हरिया, इधर कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, जो इतना ईरान में तो अभी उन्होंने रीसेंट सर्वे किया कि मेजॉरिटी छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे जो कुम वगैरह में जो उनके स्कॉलर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे, या आपको लगता है कि उनके पास फायर पावर या उनके पास इंटेलेक्ट नहीं है, या उनके पास वो नहीं है कि वो कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली, इसको नहीं वो कर सकते काउंटर, आपको क्या लगता है? मसला ये है कि मुसलमान तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है ना, कि जैसे जॉन वॉन्सब्रो है उसने कितने इतराजात इस्लाम पे दिए हैं, किस दल था ठीक है ये, और ये डैन गिब्सन आ रहा है अभी ठीक है, और कितने बंदे हैं जिन्होंने किताबें, पैट्रिशिया क्रोन है। प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल इस्लामिक स्कॉलर ने उनका क्रिटिसिज्म को भी पढ़ के ही नहीं देखा, और ना उनको समझ आएगा वो बात क्या कर रही है। मगर लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, और मौलवी जो बंदा सिर्फ मदरसा पढ़ा है, जो मस्जिद का इमाम है, जो ट्रेडिशनल मौलवी है, वो ये बातें कभी समझ नहीं सकता जी, उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल बात है। इसलिए ये ना आप समझेंगे जी, ये इसको जब तक ये इसका इसके खिलाफ नैरेटिव डेवलप करेंगे उस टाइम तक डैमेज इतनी हो गई होगी, इनको पता भी नहीं कि कितनी होगी, होगी इनको समझ भी नहीं आएगी कितनी होगी। अपोस्टेसी का जो लेवल है ना, आज से 10 साल बाद 1000 times मल्टीप्लाई हो चुका होगा पाकिस्तान में, अगर आज एक कहीं पे बैठा है ना वहां पे 1000 पाकिस्तान में 10-15 साल बाद 100% दरवाजा खोला, जरूरी नहीं है कि वो दरवाजे दरवाजा खोलने के बाद पूरी सड़क भी वो आपको चल के दिखाएगा, जरूरी नहीं है ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं। अब देखें हम जितनी भी मेरी इब्ने मरियम से बात हुई है या मेरे और भी दोस्तों से बात होती है, जब हम डैन गिब्सन के बारे में खुद लिख रहे थे तो हम डैन गिब्सन की कई बातें थी जिनको नहीं बात कर रहे थे। डैन गिब्सन कितना एविडेंस पेट्रा के बारे में प्रोवाइड करता है, मगर हमने जो 21 parts की सीरीज लिखी उसके एंड पे फिर भी हमने कंक्लूड नहीं किया कि पेट्रा जो है वो पुराना किबला था। लेकिन गालिब एक इंपॉर्टेंट चीज डैन गिब्सन ने की, और जो मेरे ख्याल में अब आप भी एग्री करते हैं इब्ने मरियम से भी, और लगता भी है कि इस्लाम नॉर्दर्न अरेबिया से ओरिजिनेट हुआ, नॉट फ्रॉम मक्का। ये तो मुझे लगता है कि बात शो है, डैन गिब्सन ने नहीं एस्टैब्लिश की, ये डैन गिब्सन ने की, ये डैन गिब्सन ने की। सबसे पहले नहीं, ये सबसे पहले जॉन वॉन्सब्रो था उसने कब ये चीज एस्टैब्लिश की थी, किस जमाने में? इवन आज से कुछ 60 साल पहले 60 साल पहले अच्छा, और उसकी बेसिस क्या थी, उसने किस चीज को रिसर्च किया? उसने भी आर्कियोलॉजिस्ट था, हिस्टोरियन था, जबरदस्त किस्म का, ठीक है चले सही। उसने उसने सबसे पहले कहा था कि ये जो है ना ये अरेबियन पेनिनसुला का नहीं है।